Hey guys, thank you so much for your constant love and support, and I hope you guys are safe and healthy. And I really wish कि आप लोग healthy रहो, safe रहो. And आज का जो vlog है वो थोड़ा अलग है. And आज के vlog में मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ कि मेरा COVID test कैसे हुआ और उस दिन मैंने क्या क्या challenges face की और मेरा दिन कैसा गया. I hope आपको ये video अच्छा लगेगा. And इस वीडियो के थ्रू आपको कुछ और नई चीज़ें पहाड़ के बारे में जानने को मिलेगा. तो पिछले 4-5 दिन से, लगभग 1 हफ्ते से मैं रूम पे ही था. एंड क्योंकि मेरे एक कलीग जो है उनका थोड़ा तबीयत ख़राब हो गया था, बुखार हो गया था, खांसी हो गया था. तो हमने डिसाइड किया, बिकॉज आई केम इन कॉन्टेक्ट उनके, मैं कॉन्टेक्ट में आया था, डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में आया था मैं, क्योंकि वो एक दूसरे कॉलिग से मिला था और वो कॉलिग मेरे घर में आया था कुछ काम के लिए. सो देखा जाए तो हम डायरेक्टली मिले था, इसीलिए वो हमने ऑफिस जाना बंद किया फॉर 5-6 डेज जब तक इनका रिपोर्ट ना आए. और कल अनफॉर्चुनेटली उनका भी पॉजिटिव आया है. एंड या यू नो नॉट इन अ गुड स्टेट, मतलब साइकोलॉजिकली. एंड वी आर इन अ स्टेट ऑफ शॉक एंड सरप्राइज, यू कैन से. गाइस, देयर इज अ बैड न्यूज़. एक्चुअली मैं यहाँ से गया था एंड आई वेंट ऑल द वे डाउन फ्रॉम माई रूम टू दैट मार्केट. एक बार आपने देखा होगा मेरे एक वीडियो में दिया था कि ऑफिस जाने में मुझे कितना टाइम लगता है, बहुत दूर जाना पड़ता है. मैं पैदल गया इतनी दूर. मैंने कल उनको रात को फ़ोन किया था जो हॉस्पिटल में एक बंदे को, तो उन्होंने बोला कि आप सुबह 11 बजे पहुँच जाना. एंड दैट्स व्हाई मैं अभी 10:50 पे यहाँ पहुँच गया था. एंड अभी बोल रहे कि 1 बजे के बाद ही सैम्पलिंग होगी, क्योंकि और भी लोगों का करना है, तो सब लोग एक साथ होंगे तब ही उनका टेस्टिंग होगा. इट्स लाइक आई डोंट नो. तो अभी मेरा कुछ भी काम नहीं हुआ, मैं ऐसे ही आया. अभी फिर मुझे ऊपर चढ़ना है. इट्स फ्रस्ट्रेटिंग लिटरली. लाइक मतलब आप इतनी दूर आओ, लगभग 1.5 किलोमीटर, फिर ऊपर जाओ, ऊपर चढ़ना, इट्स रियली फ्रस्ट्रेटिंग. एनी आई गॉट टू गो, जाना तो पड़ेगा ही, अभी कोई चारा भी नहीं. पूरा रूम जाऊंगा और फिर से 1 बजे में नीचे आऊंगा. चलो मिलते हैं फिर. हे गाइस, सो मैं अभी दोबारा जा रहा हूँ वहाँ पे हॉस्पिटल में फॉर टेस्टिंग, फॉर सैम्पलिंग. क्योंकि आज मुझे कुछ सामान भी ख़रीदना था फार्मेसी से, मेडिकल स्टोर से. बट क्योंकि आज संडे है तो यहाँ पे मेडिकल स्टोर बंद है. सो ये कुछ कौनस है आपको पहाड़ में रहने का. कुछ फैसिलिटीज़ आपको नहीं मिलेगा, बहुत ही अच्छा फैसिलिटीज़ आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा. ज़्यादा कुछ ना नहीं कर सकते क्योंकि आपके पास कोई दूसरा चारा भी नहीं होता है. सो यू हैव टू एडजस्ट. सो पहाड़ में रहने का एक कौन ये भी है. सो फाइनली आई एम हियर. मैं यहाँ पे हॉस्पिटल पहुँच गया हूँ. एंड आई विल मीट इमरान हियर. उसके बाद हम टेस्ट वगैरह कराएँगे. तो नाउ या द हॉस्पिटल, तो यहाँ पे टेस्ट के लिए हम आए थे. एंड कभी सोचा नहीं था कि ये भी दिन देखना पड़ेगा. तो होपफुली ये रदीप भाई बोल रहे कि इससे आगे ना देखना पड़े और भी. तो अभी निगेटिव आए बस. अभी हम यहीं पे बैठे हैं और इंतज़ार कर रहे हैं कि और भी मरीज आए, बल्क में टेस्टिंग होगी. सो दिस इज़ द प्लेस जहाँ पे हम अभी कराने वाले हैं टेस्ट. एंड इतना कुछ फील नहीं हो रहा है, बट थोड़ा बहुत तो लगता ही है. मायूस चेहरे आप देख सकते हैं यहाँ पे. पहचानो. तो भाई साहब आपको कैसा लग रहा है? आई एम फीलिंग बेटर. आई एम फीलिंग बेटर. अभी कुछ दिन पहले आई हैव नो सिम्टम. कैसे मानते सिम्टम नहीं आपका? इनको कोई सिम्टम्स नहीं. अभी उनने कराया था बीच में, तो 10 दिन पहले उनका नेगेटिव आया था. उसके 2 दिन बाद ही हमारे एक का आ गया. तो अभी फिर से करना पड़ेगा उनको. और इमरान भाई आपको कैसा लग रहा है? ये फीलिंग कैसा है? आई एम सो पैनिक. भाई साहब हम यहाँ पे 4 लोग हैं एंड कोई चारा भी नहीं है हंसने के अलावा. तो देखते हैं. तुम लोग आगे वेट कर रहे हैं, ऐसा लोग आए नहीं, हम लोग वेट कर रहे हैं फालतू के. सो देयर इज सम सीरियस इश्यूज गोइंग हियर, यू नो, गोइंग ऑन हियर. तब तक नीचे चलता है, पूछ लो यार क्या करना है, करेंगे क्या करेंगे. हम अब तक सबसे बैठे ही हैं, 1 घंटा होने वाला है अभी.
और दे आर सेइंग कि अभी और लोग आने वाले हैं एंड एक ही बल्क में करेंगे, तो अभी हम रुके हुए हैं। पहले से सुबह 11 बजे होने वाला था, नाउ इट्स अराउंड 11 बजे मना कर दिया, फिर अभी 1 बजे, आई डोंट नो क्या है इशू, बट बहुत वेट करना पड़ा। सो वी आर गिवन दिस वन, इसमें अपना नाम लिखा हुआ है, इट्स वेयर सो विल बी डायग्नोस्ड हियर। आई नेवर थॉट कि ऐसा कुछ टेस्ट देना पड़ेगा एंड आई नो नॉट फीलिंग सो गुड। एनी वे वी हैव टू गो थ्रू दिस, होपफुली ऑल विल बी फाइन। What the situation is, but we have to appreciate the work they have been doing. बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जो भी इतना time लग रहा है, but still they are doing a lot of, they are taking pain for us, these health workers, and we really appreciate their effort. And because हम एक ही दिन आए हैं, उस दिन में हम इतना डरे हुए हैं, ये दिन रात उसी में लगे हुए हैं, high risk of getting infected इनके लिए है, but still they are working day and night for us. So it's a huge round of applause for this health workers. And we also wish ये लोग इन्फेक्ट ना हो जाए। तो यहाँ पे हम इमरान भाई गए हैं, सो ही हैज सबमिटेड हिज किट एंड इज चेकिंग हिज नेम। हम भी रणदेव भाई लाइन में लगे हुए हैं, हमारे साथ ही हैं, हम भी इनके कांटेक्ट में आए थे, तो एक प्रिकॉशन के तौर पे हम जो है इनका भी कोरोना टेस्ट कराने की सलाह दी है और वो कतार में है और उनका हो रहा है। और ये पीछे आपके धीराज भाई हैं, हमारे साथ ही हैं, तो ये भी अपने पारी का और अपने बारी का इंतज़ार कर रहे हैं। काफ़ी सहमे हुए थे चीज़ों को लेकर, काफ़ी मेंटली डिस्टर्ब थे कि क्या होगा क्या नहीं होगा। तो आप ही देख रहे होंगे सामने जो है प्रिकॉशन के तौर पे फिर विंडो से किया जा रहा है, विंडो पे प्लास्टिक कवर है और विंडो के उस पार डॉक्टर हैं जो पीपी किट पहने हुए हैं, और इधर धीराज उनको अपना किट थमाते हुए बुलाते हुए डॉक्टर साहब को। काफ़ी डर की बात तो है, ऐसे डॉक्टरों को भी सलाम करते हैं जो इतने हाईली रिस्क पे काम करते हैं। फाइनली हो गया है टेस्ट एंड हमने रैपिड टेस्ट किया नहीं क्योंकि बोले थे क्योंकि हम हाई रिस्क वाले लोग हैं इसीलिए हमारा रैपिड टेस्ट होगा नहीं, क्योंकि एक्यूरेसी उसमें नहीं आता इतना। चलिए हो गया फाइनली, क्या करें, खाना खाने बनाते हैं, खिचड़ी उचड़ी चलो खाते हैं, चलो।